हेलो एवरीवन माय नेम इज सारे एंड वेलकम बैक टू द केस स्टडी विद मी आज का जो केस है दैट विल रिमाइंड यू ऑफ बुरारी अंधविश्वास चांस और एक फैमिली में डिसऑर्डर होने की वजह से ये केस हमारे सामने आया है सो so, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड लस्ट लर्न मोर अबाउट टूडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड आंध्राज नायडू फैमिली आंध्र प्रदेश चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट मदानापाले में नायडू परिवार रहता था जिसमें दो बेटियां अलेख्या जो कि 27 साल की थी साई दिव्या जो कि 22 साल की थी उनकी मोम पद्मजा जो कि 50 साल की थी और उनके फादर पुरुषोत्तम नायडू जी जो कि 55 साल के थे वो रहते थे नायडू फैमिली में हर एक मेम्बर बहुत पढ़ा लिखा था पुरुषोत्तम जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चित्तौड़ में केमिस्ट्री पढ़ाते थे और मिस पद्म वॉज ए गोल्ड मेडलिस्ट जो कि उन्हें मास्टर इन साइंस में मिली थी और वो करीब बीस साल से आई आई टी एस्परेंट्स को कोचिंग देती थी एट मास्टर माइंड आई आई टी टैलेंट स्कूल एंड इतने साल वहाँ पढ़ाने के बाद उन्हें वहाँ का प्रिंसिपल भी बना दिया गया था दोनों ही मियाँ बीबी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे एंड उनकी जॉब से ये चीज़ भी क्लियर है दट देड नो इश्यू फाइनेशियली बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तो हमेशा पैसे की बात क्यों करता है केसेस में सी अगर हम किसी और कंट्री में होते तो शायद से वेल्थ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना होता पर ये केस इंडिया का है और इंडिया में कहीं बार भूख और पैसे की वजह से कत्ल हो जाते हैं इसलिए एटलीस्ट इंडिया के केसेस में तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि फैमिली का बैकग्राउंड कैसा था पर नाइडू फैमिली बहुत ज्यादा प्यारी थी उन्हें आपस में बहुत ज्यादा प्यार था हर टिपिकल इंडियन फैमिली की तरह नाइडूज ने भी अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाई करने के लिए अच्छी पढ़ाई करने के मार्ग पे लगा रखा था और ट्वेल्थ तक दोनों माँ बाप अपनी बेटियों पर बहुत ज्यादा कड़ी नजर रखते थे पढ़ाई के लिए लाइक एटलीस्ट ट्वेल्थ देवर वेरी स्ट्रिक्ट डॉटर्स की पढ़ो अच्छे नंबर लाओ अच्छे में जाओ अच्छी जॉबें करो पर जैसे ही दोनों लड़कियों ने ट्वेल्थ कंप्लीट कर लिया था उसके बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें चूज करने दिया था विच इज अ गुड थिंग क्योंकि आज भी बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके मन की चीजें नहीं करने देते हैं उनकी छोटी बेटी साय दिव्या ने अपनी बैचलर्स बैंगलोर में कम्पलीट करने के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री का पात अपने ले चुना और उसने ए आर रहमान डांस एंड म्यूजिक एकेडमी में आगे पढ़ने की सोची शायद दिव्या या फिर दिव्या को म्यूजिक इंडस्ट्री के बैकबोन में काम करना था एंड शी वांटेड टू बी वन ऑफ पीपल हु हैंडल्स आर्टिस्ट फ्रॉम बिहाइंड ये बात क्लियर नहीं है कि उसे मैनेजमेंट में काम करना था या फिर एक सोलो आर्टिस्ट के साथ काम करना था पर दिव्या को हमेशा म्यूजिक के पास रहना था वहीं उनकी बड़ी बेटी अलेख्या ने भोपाल से अपना डिप्लोमा मैनेजमेंट में कम्प्लीट करा और वो इसके बाद सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही थी 2020 में, के के और हमेशा अपनी उन्नति के लिए अपनी प्रगति के लिए नायडू फैमिली हमेशा शुक्रिया अदा करते थे भगवान का सभी में इस घर में पढ़े लिखे थे लेकिन फिर भी वो बहुत ही बड़े भक्त थे शिव भगवान के और हर दिन बिना किसी फेल के वो पूरा पूजा जरूर करते थे चारों के चार मेंबर इज अ गुड थिंग हैविंग दिस बिलीफ इन गॉड इज़ अ गुड थिंग जब भी उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता था या फिर कुछ भी नया होता था तो वो हमेशा हवन करते थे हमेशा पूजा कराते थे जैसे कि जब पद्म का प्रमोशन हुआ था कोचिंग सेंटर में तो उनकी पूरी फैमिली ने हवन रखा था दे वर वेरी डिवोटेड टू से लीस्ट और यही वैल्यूज एंड यही संस्कार उन्होंने अपनी बच्चों को भी दिए थे एंड ये बात अलेख्या के फ्रेंड्स को भी फील होती थी अलेखिया अपने सोशल मीडिया पर कई बार भगवान के बारे में गुडविल्स के बारे में और पॉजिटिव पोस्ट के जो कि बिलीफ से रिलेटेड होते थे उन्हें डालती थी एंड सेम अपने पेरेंट्स जैसे ही अलेखिया जब बाहर पढ़ने गई थी तब भी विदाउट फेल वो भगवान की पूजा हर एक दिन करती थी सो दीज के ये अपनी पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में थे रिस्पेक्टिवली बट ट्वेंटी ट्वेंटी में तुम्हें पता है क्या हो रहा था तो इनके पेरेंट्स ने क्या करा कि दोनों बेटियों को अपने नए घर में वापस बुला लिया साथ रहने के लिए एंड सैडली यहाँ से चीज़ें खराब होना शुरू हो गई थी 23 जनवरी 2021 को नायडू फैमिली ने अपने काम से कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ली थी उनके कोलिग्स ने बताया कि उन्हें एक बहुत ज्यादा बड़ी पूजा करनी थी अपने दोष मिटाने के लिए जिसकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था इसीलिए वो लोग कुछ दिन पहले से ही छुट्टी मांग रहे थे और क्योंकि पद्मजा और पुरुषोत्तम दोनों का व्यवहार अपने काम पे अच्छा था एंड देवर ऑल्सो रेगुलर तो इसलिए उन्हें आसानी से छुट्टी मिल भी गई तो नायडू फैमिली के चारों मेंबर लग गए अपनी पूजा की प्रिपरेशन में उनके नेबर्स के 24th 2021, जो था, उस दिन उन्हें के घर से कुछ मंत्र पढ़ने की आवाजें आई ये सुबह का समय था एंड इट वॉजन एनीथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी तो वो लोग बिना कुछ पूछे अपने काम पर लगे रहे पर उस ही दिन शाम को सात बजे पुरुषोत्तम ने अपने एक दोस्त को कॉल लगाया उनके ये दोस्त पद्म जाके कोचिंग सेंटर में ही काम करते थे और उनकी फैमिलीज भी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे जब उनके दोस्त ने कॉल उठाया तो वो नॉर्मल दिन की ही बातें कर रहे थे पर फिर उन्हें ये फील हुआ कि पुरुषोत्तम कुछ डरे वैसे थे सो ही आस्ट कि क्या प्रॉब्लम है आप कुछ घबराए वैसे लग रहे हैं पुरुषोत्तम जी सब ठीक तो है ना तो पुरुषोत्तम ने अपने दोस्त से कहा कि शायद मैंने एक ऐसी चीज़ कर दी है जिसे मैं कभी भी ठीक ना कर पाऊँ और फिर उन्होंने अपने टीचर दोस्त को हर एक चीज़ डिटेल में बताना शुरू करा जिसे सुनकर उनके फ्रेंड के रोंग खड़े हो गए थे पुरुषोत्तम ने अपने दोस्त को कॉल पे कहा कि उसने अपनी तो दोनों बेटियों को मार दिया है और कल ट्वेंटी जनवरी को उसकी दोनों बेटियां वापस आ जाएंगी हिज फ्रेंड ही कुड नॉट कुछ थिंग की एक पढ़ा लिखा आदमी ये बातें बोल रहा है मुझे पर फिर भी अपना आपको वापस कलेक्ट करके उन्होंने पुरुषोत्तम जी से पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों करा रीजन क्या था तो पुरुषोत्तम ने उन्हें बहुत ज्यादा वेग वे में यह समझाया कि उनकी बेटियों के अंदर बुरी शक्तियां थी जो कि उनकी बलि चढ़ाने पर उन्हीं के साथ कलयुग में मर जाएंगी और कल जब सतयुग शुरू होगा जब ट्वेंटी जनवरी को सतयुग शुरू होगा तो मेरी बेटियां इसी शरीर में वापस आ जाएंगी बिना बुरी शक्तियों बेसिकली वॉन्ट टू क्लेंज हिस्सा ये चीज सुनते ही उनके दोस्त ने कॉल कट करा और उन्होंने सीधा पुलिस को फोन लगाया और कॉल रिसीव करने के बाद पुलिस भी सीधा नायडू के घर पहुंच गई जैसे ही वो नायडू के घर पहुंचे तो देखु नॉट बिलीव वट वॉज इन फ्रंट ऑफ दम खून के पूल में पुलिस को सबसे पहले पूजा घर के सामने साय दिव्या की बॉडी मिली जिसके सर में त्रिशूल से पहले वार करा गया था और उसके बाद उसके फेस पे डंबल से मारा गया था और पूजा घर के अंदर जाने के बाद उन्हें अलेखा की बॉडी मिली थी जिसके सर पर भी दोबारा डंबल से मारा गया था उन दोनों की बॉडी को लाल साड़ी से रैप करा गया था और मारने के बाद उनके सर से कुछ बाल काटे गए थे जो कि फिर भगवान शिव को ऑफर करे गए थे ताकि अगले दिन वो सत्युग में अपने शरीर में वापस आ सके पूजा रूम से बाहर निकल के जब पुलिस वाले घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि पद्मजा और पुरुषोत्तम बड़े आराम से बैठे हैं उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनकी बेटियां दूसरे कमरे में मरी पड़ी हैं पुलिस इंस्पेक्टर ने उनसे पूछा कि ये सब किसने करा तो पद्मजा ने कहा कि ये सब कुछ हमने ही करा है ये सब कुछ हमने अपनी मर्जी से करा है और ये सब कुछ हमारी बेटियों ने भी अपनी मर्जी से करा है अपेरेंटली दे ऑल बिलीव्ड कि उनके अंदर बुरी शक्तियाँ थी जो कि कलयुग की वजह से आई थी इसलिए इस पूरी फैमिली ने अपनी बलि चढ़ाने की सोची थी कलयुग के आखिरी दिन में विच वॉज अगेन 24 जनवरी 2021. अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स सबसे पहले छोटी बेटी ने साई दिव्या ने अपनी बड़ी बहन को कहा कि दीदी आप मेरी बलि चढ़ा दो और जब उसकी बड़ी बहन नहीं मान रही थी इस बात के लिए तो उसने कहा कि दीदी अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो मैं खुद की जान ले लूंगी विच इज अ क्राइम क्राइम बोल रहा हूँ मैं विच इज़ अन दिस रिचुअल अपेरेंटली जिसके बाद आलेख्या ने शायद दिव्या को सिन से बचाने के लिए इस पाप से बचाने के लिए उसके सर पर त्रिशूल से वार करा उसके बाद पद्मजा ने अपनी बड़ी बेटी को लेटा कर उसके सर पे डंबल से मारा और फिर उन्होंने अपनी छोटी बेटी को भी डंबल से मारा सर पे ताकि वो गलती से बच ना जाए अकॉर्डिंग टू पद्मजा मरने के बाद भी एक घंटे तक उनकी दोनों बेटियां जिंदा थी I know it sounds delusional, but इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे पर बच्चों को मारने के बाद यह सब कुछ बता दिया था अपने दोस्त को कॉल दिस थिंग इन माइंड की जब पुलिस वाले पुरुषोत्तम से उनके घर पे मिले थे तो ही वॉज काम एंड कलेक्टेड अनलाइकोन ऑन द फोन कॉल पुलिस ने दोनों माँ बाप को गिरफ्तार कर दिया था फिर पद्मजा ने चिल्लाना शुरू कर दिया शी was hysterical शी was एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ साइको वो चिल्ला चिल्ला कर ये कहने लगी कि हम दोनों को बस एक दिन दे दो हमारी बेटियाँ अपने आप ही वापस आ जाएंगी तुम भी देख लेना वो ये भी कहती रही कि हमारा जाने का समय हो रहा है हमारा प्लान खराब मत करो और पद्म जा पुरुषोत्तम पर चिल्लाती रही उन्हें कोसती रही कि तुम्हारी कायरता की वजह से तुम्हारे डर की वजह से हमारा प्लान खराब हो गया तुमने भगवान में विश्वास नहीं करा अगले दो दिन तक उन्हें कस्टडी में रखा गया था और उनसे पूछताछ हुई थी एंड दो दिन बाद भी देवर स्टक टू दे स्टेटमेंट दे एक्चुअली बिलीव दिस थिंग कि उनकी बेटियां अब जिंदा हो गई होंगी वापस पर जब पुलिस वालों ने उन्हें बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारी बेटियों के साथ तो पद्मजा पुलिस को कोसने लगी और वो चिल्ला चिल्लाकर ये चीज कहने लगी कि तुमने शिव का ऑर्डर रोका है वो ये भी कह रही थी कि वो ही शिव का अवतार है इस नए युग में और उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना को इस दुनिया में उन्होंने अपने शरीर से बुलाया है ना कि कोरोना चाइना से ओरिजिनेट हुआ था आई नो इट साउंड बचत इनसेन इट साउंड्स डिल्यूजनल बट आई थिंक अगर मैं तुम लोगों को क्लिप्स दिखा दूँ कि पद्मजा कैसा बिहेव करी थी उस टाइम पे उनकी मेंटल स्टेट कैसी थी तब तुम्हें तो शायद से ज्यादा इजी होगा ये चीज समझना हरनाच शिंदे ना नीचे मैंने पंपिंग चा पास को जन ने मेरे पार्टिकल नीचे करुणा वचिनदे ई कलि संहारा చేసేటప్పుడు

कि ये दोनों ही मेंटली स्टेबल नहीं है तो इसीलिए उन उनपे कार्यवाही करने से पहले उन्होंने दोनों पद्मजा और पुरुषोत्तम दोनों को पहले एक साइक्रिस्ट को दिखाया जिन्होंने कहा कि उनकी पूरी फैमिली शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर से सफर करती है दिस इज अ रेयर डिसऑर्डर जिसमें दो से ज्यादा लोग जो कि क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं एक सेम गोल या फिर एक सेम फिनोमिना में बिलीव करते हैं ये लोग नॉर्मल फंक्शनिंग ह्यूमन जैसे ही होते हैं दे वॉक दे टॉक दे गो टू देर जॉब्स पर उनके गोल्स के बारे में जब भी कोई बात करे तो समथिंग ट्रिगर्स इन देयर ब्रेन शेयर्ड होता है जो कि अपने बिलीव्स अपने गोल्स अपने आसपास वाले लोगों में उनके दिमाग में भर देता है और फिर वो लोग भी उन चीजों में बिलीव करने लगते हैं चाहे वो सच हो या फिर झूठ सो इन दिस केस द होस्ट वॉज पद्मजा जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली पर यह रीबर्थ का डिल्यूशन फैलाया इन दिस हाउस किड्स कम्पलीटली बिलीव देयर ओन मॉम क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि साई दिव्या ने अपनी बहन को ये करने के लिए कहा था सो शी वॉज विलिंगली डूइंग दिस थिंग कम्प्लीटली बिलीविंग एवरी सिंगल वर्ड दैट हर मॉम हैड टोल्ड हर और जैसा मैंने पहले कहा था कि सोशल नेटवर्क्स पर पोस्ट डालती थी तो आलेख्या के पोस्ट से यह पता चलता है शी बिलीव इन दिस रीन ऑफ शिव वो ये कहती थी कि शिव अब धरती पर लौट आए हैं आई एम श्योर कि आलेख्या को ये लगता था कि उनकी मॉम ही शिव का अवतार है इन सभी चीज़ों को देखते हुए पद्मजा और पुरुषोत्तम को पहले फोमर्ड हॉस्पिटल फॉर मेंटल केयर को जो कि विशाखापट्टनम है वहां भर्ती कराया गया था और उनके डिस्चार्ज के सीधा बाद उन्हें मदनपाले सब जेल में भेज दिया गया था अगेन ये केस बुरारी केस से बहुत ज्यादा सिमिलर है क्योंकि इन दिस केस ऑल्सो देर वॉज वन होस्ट जो कि अपनी बिलीवस अपने आइडियोलॉजी जो थे वो पूरे परिवार में फैला रहा था और दो तीन हफ्ते पहले ही मैंने एक और ब्लैक रिचुअल वाले केस के बारे में बात करी थी सो दिस इज़ अ थिंग इन इंडिया की ऐसे केस इंडिया में बहुत बार आते हैं बट एवरी टाइम दैट आई हेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स ठीक है इट स्टिल शॉक्स में कि हमारे इस ज़माने में भी ये सारे केस एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास है ट्वेंटी ट्वेंटी वन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे तो इस ज़माने में भी पीपल बिलीव इन दिस कांड थिंग और अगेन जैसे कि मैंने हेमू हंसा केस में तुम्हें बताया था इंडियन लॉज़ के अलावा भी इंडिया में अंधविश्वास एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है एंड आई थिंक कि जब तक ये अंधविश्वास इंडिया में रहेगा अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसे केस के बारे में और सुनने के लिए मिलेगा पर इसी के साथ नायडू फैमिली का केस यहीं पर समाप्त होता है बिफोर यू गो आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू मी एंड विद दैट आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर हैप्पी आई होप ऑल ऑफ़ यू आर हेल्दी प्लीज़ कीप योर लव्ड लव वेरी क्लोज टू यू गाइज एंड आई विल सी वेरी वेरी सून बाय बाय